हाय फ्रेंड्स, आपका क्यूटी ब्यूटी लाइफ चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ कद्दू की सब्जी, जिसे हम काशी फल भी कहते हैं। तो देखिए, मैंने ये सारा सामान ले लिया। ये ले लिया कद्दू, काट के रखा हुआ है मैंने। ये हरे धनिया मिर्च है, मैंने एक ही कटोरी में काट लिए हैं साथ में। और ये ऑयल सरसों का, यह है कच्चा आम, यह है क्रीम दूध से निकाली मैंने, और यह फ्रूट्स कुछ अंगूर अनार। और देखिए, अब मैं आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगी किस तरह से बनाने हैं। इसके लिए मैंने पैन को चढ़ा दिया है गैस पर, और अब मैं गैस को कर दूंगी ऑन। और इसमें अब मैं डाल दूंगी सरसों का ऑयल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। देखिए, अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मेथी के दाने। कद्दू की सब्जी मेथी के दानों से ही हम लोग पकाते हैं, उससे अच्छा टेस्ट भी आता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। मेथी के दाने भी, और हरी मेथी भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और अब मैं थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर 1 स्पून, और मिर्च स्वाद अनुसार, जैसे आप खाएं कम या ज़्यादा उस अनुसार आप लें। और इस नमक, और इसे मैं पानी में मसालों को थोड़ी देर के लिए घोल दूंगी, ताकि ये मसाले फूल जाए, तो इससे सब्जी में और भी अच्छा टेस्ट आता है, सब्जी एकदम उभर के आती है। तो मैं इन मसालों को पानी में भिगो के थोड़ी देर के रख देती हूँ, तब तक हमारी मेथी भी भुन जाएगी, ऑयल भी पक जाएगा। देखिए, मैंने मसालों को भिगा दिया है पानी में, और हमारी मेथी भी पक गई है, अच्छे से भुन गई है। अब मैं मसालों को डाल दूंगी पैन में, और इन्हें अच्छे से चला लूंगी, अच्छे से भून लूंगी, ताकि ये अच्छे से मसाले पक जाएं। देखिए, इस तरह से आप भी चलाते रहिए, ताकि मसाले लगे ना लगातार पैन में। अब मैं इसमें फ्रूट्स डाल दूंगी सारे, जो मैंने काट के रखे हुए थे अंगूर अनार, और इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, चला लेंगे। और इसमें मैं डाल दूँ कद्दू कटा हुआ। आपने कद्दू की सब्जी तो बहुत खाई होगी फ्रेंड्स, पर ऐसी कद्दू की सब्जी नहीं खाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि कद्दू और सब्जी अच्छे से पक जाए। और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, जब तक ये पक ना जाए। और ये मैंने थोड़ी सी चीनी ले ली है, चम्मच, मैं चीनी लेना भूल गई थी पहले, तो मैं चम्मच, एक चम्मच चीनी ले ली है। चीनी कद्दू में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये कच्चा आम है, इसे मैं बाद में डालूंगी, कद्दू पक जाए, नहीं तो फिर कद्दू पकेगा नहीं, साथ में इसे डाल दूंगी तो, इसलिए जब कद्दू आधा पक जाएगा तब मैं ये कच्चा आम डालूंगी, और ये क्रीम भी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी पकने लगी है, आधे पक गई है, और इसमें चलाऊंगी थोड़ी देर, और पकने दूंगी, अभी अच्छे से पके नहीं है अभी ये। अब मैंने एक कच्चा आम डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये आधी पक चुकी है, आम को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि ये इसका टेस्ट है आम का, ये सब्जी में अच्छे से घुल जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम, और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि क्रीम सब्जी में फटे ना। और अब डाल दिया मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे,
और इसे थोड़ा बीच बीच में हम कद्दू को दबाते रहेंगे, मसल देंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि एकदम खड़ा खड़ा अलग अलग सा कद्दू अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छे से मैश हो जाता है तभी टेस्ट आता है कद्दू की सब्ज़ी में। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे मैश करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है सब्ज़ी, और खाने में बहुत टेस्टी बनती है ये। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।